तेरे पापा ने? पांच बंदा बस एक प्लेट लेके आया, शर्म नहीं आई? ये देखो ओए, अरे दो मुर्दे आ रहे हमारे साथ में ये भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस व्लॉग में हम कहाँ जा रहे हैं? मसूरी, हरिद्वार जा रहे हैं। हम जा तो रहे हैं हरिद्वार, फिर वहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश, फिर जाएंगे मसूरी। तो तीन चार जगह जा रहे हैं हम लोग, और चार पांच लोग हैं, सारे फुल मस्ती करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे मुल्ला साहब पागल हो गए, ये कपड़े मारने वाला आज ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। ड्राइवर आदमी है। बस इतनी इसको गाड़ी चलानी थी, आगे पीछे करनी थी, और इसका दिल खुश हो गया। देखो कैसे असर है। चलो निकल रहे, बारिश भी हो रही है। देखो गाइस, बारिश भी होने लग रही है, बूंदा पड़ रही है। और अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े थे, पेट्रोल डलवाया, बस निकल रहे हैं अभी। बस जल्दी कर यार, तेरी वीडियो के चक्कर में लेट हो रहे हैं, ढाई बज गए यहीं पर ही। अरे चल जल्दी बाद में मना लियो, बैठो बैठ बैठो। ये हमारे बिहारी बाबू, हाँ ये तो साढ़े पीछे भी दे दे। खा लिया इसने, फिर लिया तेरे पापा ने? पांच बंदा बस एक प्लेट लेके आया, शर्म नहीं आई? भाई मैं भी यही कह रहा, एक बना के ला रहे तुम। तो भाई अभी रुके हम ढाबे पे, और ये भाई देखो बैठे बैठे सो रहा है। ये शाहरुख खान आ गया, सस्ता शाहरुख खान। एसी टॉयलेट सारे भाई। अभी हम यहाँ पे रुके खाना खाने के लिए, बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, और पांच बज गए अभी, हम आधी दूर भी नहीं पहुंचे। सुबह के पांच बज गए और हम मेरठ पहुंचे हैं। ठीक है भाई, इन लोगों के ड्रामे इतने हो रहे हैं ना, हर 10 मिनट पर गाड़ी रुकवा रहे हैं, किसी को मुंह आ रही है, किसी को टट्टी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके गाड़ी रुकवाई। अभी हम ढाबे पर रुके खाना खाने के लिए, ये हमारा पहला स्टॉप है खाने के लिए, और पाँच बज चुके हैं सुबह के। ठीक है, और लग रहा है कि भी तीन चार घंटे और लग जाएंगे, तो देख रहे हो भाई दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग। यार ये बंदे बड़े ढीले हैं, अभी सीएनजी के लिए सबको उतारा था मैंने, और ये यहाँ पे आके सो गया है। देखो जरा इसको दिखाता हूँ मैं अभी, ये देखो। ओए ओए, अब यहीं सोएगा क्या बैठे बैठे? दो मिनट के लिए कहीं बैठ जाए तो वहीं ढेर हो जाते हैं, कैसे जाएंगे ट्रिप पे, बेकार बंदे हैं ये। तो भाई धूप रखी काफ़ी तेज की, और अभी हम रूड़की पहुँचे हैं, सुबह के 7:30 बज गए हैं, और अभी भी ड्राइव कर रहे हैं भाई, सोच तो हालत बड़ी ख़राब सी होती है। अभी हम पहुँच गए रूड़की, है भाई, और ये मुल्ला जी हमारे साथ जगते हुए, अरे सारे ये, और ये दो मुर्दे आ रहे हैं हमारे साथ में। ये भाई 3 घंटे से ऐसे ही सो रहे हैं, और हम तो फुल इंजॉय करते हुए जा रहे हैं भाई, क्योंकि भाई बार बार कोई ट्रिप पे आता नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से प्लान बनते हैं हमारे, और इसमें भी इंजॉय ना करो तो क्या ही करो, और सोते हुए जाओ इनकी तरह, क्या ही फ़ायदा। इसको भी मैंने झटके मार मार के जगाया है, बकवास कर रहा है ये। ब्रेक मार मार के इसको जगाया मैंने, सो जा रहा था बार बार। प्लान कुछ ऐसा है हमारा, हम हरिद्वार से होते हुए हम जाएंगे मसूरी, मसूरी में हम जाएंगे भट्टा फॉल सीधा, उसके बाद हम दोपहर तक आएंगे यहाँ पर तुम्हारा ऋषिकेश, वहाँ पे करेंगे राफ्टिंग, और नाइट में हम सोच रहे स्टे करेंगे, और बाकी देखो जो होता है भगवान के भरोसे होगा। बाकी चल रहे हैं हम तो, देखते हैं कहाँ ले जाती मंजिल। तो भाई आ चुके हैं हम हरिद्वार में, देखो वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो हरिद्वार ने हमारा वेलकम कर दिया है, ठीक है, लेकिन हम अभी हरिद्वार जाएंगे नहीं, अब अभी हम जाएंगे मसूरी सीधा, जहाँ पर है भट्टा फॉल्स, एक बहुत बड़ा झरना है वहाँ पर,
हरिद्वार दिखा रहा है यहाँ से 7 किलोमीटर, देहरादून दिखा रहा है यहाँ से 61 किलोमीटर, ठीक है। तो वही मान लो, और मैप में दिखा रहा है 1 घंटे 56 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है भट्टा फॉल्स मसूरी, ठीक है। यहाँ से है 81 किलोमीटर्स, तो लग जाएगा करीब 2 घंटे। और चल रहे हैं, जल्दबाजी किसी बात की है नहीं, जैसा कि पता है आपको, आराम से जा रहे हैं, आराम से खाते पीते, कोई दिक्कत है नहीं। भाई ये देखो जी, गंगा जी आ गई हैं, सुबह सुबह गंगा जी के दर्शन कर लो भाई। हरिद्वार पहुंच चुके हैं भाई हम लोग, जैसे कि बताया मैंने अभी, हम रुकेंगे यहाँ पर नहीं, हम सीधा रुकेंगे मसूरी में, फिर उसके बाद कल आएंगे हम। ये देखो भाई, हर की पौड़ी में जाने के लिए लाइन लग रही है उस तरफ, जो सर्विस लेन है। संडे है ना, वीकेंड है ना भाई आज, तो इसलिए ट्रैफिक हो रहा है, वरना तो ट्रैफिक होता नहीं इतना, और मेन रोड पर भी ट्रैफिक लग रहा है। ये भाई देखो, हर की पौड़ी के पास आगे ये है गंगा जी। देखो यहाँ हमारे भोले बाबा जी आ गए हैं, सुबह सुबह दर्शन कर लो भाई भोले बाबा जी के, हरिद्वार वाले बाबा। ये देखो कुल्हड़ चाय ग्लास में, आज कुछ लड़ना है, मार्केट में नया है, कौन सी डिश मांग ली तूने, डर गए अंकल। ऐसे दोस्तों को तो भाई ट्रिप पे लेके नहीं आना चाहिए, ये साले को जब देखो फोन में लगा रहता है, गाने बजाने दे रहा है, ऐसे तो छोड़ बोलना नहीं चाहता मैं। अरे रख रहा हूँ, ऐसे वीडियो बना रहा मेरी। तो भाई देखो, हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। फायदा ये है कि सीएनजी में एवरेज बढ़िया मिल जाती है, और नुकसान ये है कि भाई हमें अभी 20 मिनट करीब हो चुके हैं लाइन में लगे लगे, और अभी देखो नंबर दूसरा तीसरा नंबर अपना, और कमर में और दर्द हो गया बैठे बैठे भाई। देखो 10-15 हो रहे हैं अभी भाई, और कहाँ पहुँचे हम, मसूरी में। मतलब अब जो चढ़ाई आती है पहाड़ों वाली, अभी तो हम स्ट्रेट रोड पे चल रहे थे, लेकिन अब जो स्नेक वाली रोड आती है, सांप वाली, जिसमें सांप बना देंगे। आ जाओ जी बाहर, आ जाओ सारे, तो भाई हमने आते ही होटल में चेक इन कर लिया था, इतने थक गए थे कि भाई व्लॉग व्लॉग नहीं बनाया, और आधे सो गए थे और अभी सो के उठे हैं बिल्कुल। तो होटल में वही लिया जो हमेशा लेते हैं, ठीक है। बाकी दिखाता हूँ आपको व्यू। ये देखो भाई, ये देखो आशिक, वीडियो बना रहा है, ये तो रील बना रही है भाई। वो कहाँ जाता है जो अंदर के पांच गुफा के अंदर से चलता है, वो कहाँ जाता है? आज वाली गुफा में ले चलो, चल। नींद अभी बस 3-4 घंटे ही सोए हैं, बस ज़्यादा नहीं सोए हम लोग, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं भट्टा फॉल, ठीक है, और झरने बढ़िया नहाएंगे, दिखाएंगे वहाँ पर जा कर के, ठीक है।